गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द संत पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 8th हिंदी ग्रामर। आज हम हिंदी ग्रामर में फोर्थ चैप्टर रीड करेंगे, कारक। इसकी हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। कारक की संज्ञा है सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया अवश्य होती है। हम सभी को पता है कि जो भी वाक्य रहता है उसमें एक क्रिया अवश्य होती है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम जो रहते हैं उन शब्दों का उस वाक्य की क्रिया उस क्रिया के साथ संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, यहाँ पे राम करता है। राम ने क्या कार्य किया? रावण को मारने का कार्य किया है, तो रावण कर्म है और मारना क्रिया है। मोहन कुर्सी पर बैठा है। कारक के भेद देखेंगे। अब कारक 8 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। इन कारकों को विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का चिन्ह निर्धारित है। कारक के चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे जो तालिका दी गई उसमें कारक देखेंगे, उसके चिन्ह क्या है, उसमें कौन सी विभक्ति लगती है। तो ये कारक के 8 प्रकार होते हैं। पहला है कर्ता, उसका चिन्ह ने, ये है प्रथमा विभक्ति। दूसरा है कर्म, इसका चिन्ह को, ये है द्वितीय विभक्ति। तीसरा कारक है करण कारक, इसका चिन्ह से, के द्वारा, इसमें तृतीय विभक्ति। चौथा है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह के लिए या को, चतुर्थी विभक्ति। पांचवा है अपादान कारक, इसका चिन्ह से अलग होना, इसमें पंचमी विभक्ति। छठा है संबंध कारक, इसका है का, की, के, रा, री, रे, षष्ठी विभक्ति। सातवा अधिकरण कारक, इसमें मे, पे, पर, सप्तमी विभक्ति। आठवा संबोधन, इसमें हे, रे, अरे, ओ, ये है संबोधन। अब हम पहले कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता कारक का चिन्ह ने। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात जो क्रिया करता है जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है हम उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया करता है वो कर्ता। जैसे राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में लिखा क्रिया है। प्रश्न उठता है कि पत्र लिखने की क्रिया किसने की? उत्तर है राम ने। अतः राम लिखा क्रिया का करने वाला कर्ता है। इसी प्रकार जैसे सिपाही ने चोर को पकड़ा, इसमें पकड़ना है क्रिया, तो चोर को किसने पकड़ा? सिपाही ने। तो इसमें सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो सिपाही कर्ता कारक। इसी तरह से और एग्जांपल भी है। राम ने रावण को मारा, राम करता है और रावण यहाँ पे कर्म है, मारना क्रिया है। तो रावण को किसने मारा? राम ने। तो राम ने रावण को मारने का कार्य किया, तो राम कर्ता कारक है। बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया, मोहन पुस्तक पढ़ता है, विभा भात खाएगी। अब दूसरा देखते हैं हम कर्म कारक, इसका चिन्ह को। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में राम कर्ता द्वारा किए गए कार्य मारने का फल रावण पर पड़ रहा है, अतः रावण यहाँ कर्म कारक है। इसी प्रकार माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो माँ क्या, माँ कर्ता है और इसमें बच्चे को ये कर्म कारक है। दूध पिलाना क्रिया है, तो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाने का कार्य कर रही है, तो बच्चे को यहाँ पे कर्म कारक है। रमेश ने मोहन को पत्र लिखा, तो रमेश ने यहाँ पे करता है रमेश, मोहन कर्म है, पत्र लिखना क्रिया है, तो रमेश ने मोहन को पत्र लिखा। पत्र किसने लिखा? रमेश ने। और किसको लिखा? मोहन को। तो मोहन को कर्म कारक है। इस तरह से एग्जाम्पल हो रहे, पिताजी पुस्तक ले आए, राजू बाजार गया, राम पुस्तक पढ़ता है। अब हम तीसरा देखते करण कारक, इसका चिन्ह से के द्वारा। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा, किसकी सहायता से पत्र लिखा? कलम की सहायता से, अतः यहाँ कलम लिखने का साधन है, अस्तु कलम करण कारक है। सीता चाकू से फल काटती है, तो सीता किससे फल काटती है? चाकू से। तो सीता ने फल काटने के लिए चाकू को काम में लिया, तो ये चाकू जो है ये करण कारक है, चाकू से करण कारक है। मोहन लाठी से कुत्ते को मार रहा है, मोहन करता है लाठी, मोहन ने कुत्ते को मारने के लिए किसकी सहायता ली है? लाठी की सहायता से, तो लाठी से करण कारक है। जैसे राजेश गेंद से खेल रहा है, मैं बस के द्वारा जयपुर गया, रमेश ने डंडे से बिल्ली को भगाया,
अर्थात हम जो वाक्य में कर्ता रहता है और वो जिसकी सहायता से क्रिया करता है वो उसे वो कारण कारक होता है। चौथा है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है को। वाक्य में प्रयुक्त करता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है तो यहाँ चिड़िया करता है। चिड़िया क्या है? करता। और दाना लाने की क्रिया कौन कर रही है? चिड़िया कर रही है। और किसके लिए कर रही है? बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए संप्रदान कारक है, अतः बच्चों के लिए ये संप्रदान कारक है। इस प्रकार राजेश मोहन के लिए आम लाया तो राजेश करता है, और राजेश किसके लिए आम लाया? मोहन के लिए। तो यह मोहन के लिए संप्रदान कारक है। वह और भी एग्जाम्पल, वह भूखे को अन्न देता है, सीता रेणु के लिए चाय लाई है, रमेश खिलाड़ी के लिए पानी लाया है, पांचवा है चिड़िया बच्चे के लिए घोंसला बनाती है। अब हम देखते हैं पांचवा अपादान कारक, इसका चिन्ह से अलग होना। जिससे किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे राम पेड़ से गिरा तो राम पेड़ से अलग हो गया, तो पेड़ से अपादान कारक है। कोई भी वस्तु किसी कोई भी वस्तु अलग होती है तो वहां अपादान कारक होता है। तो राम गिर पड़ा, कहाँ से गिर पड़ा? पेड़ से, अतः पेड़ से अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं? पेड़ से। तो पेड़ से पत्ते गिरे तो वो पत्ते अलग हो गए, तो पेड़ से अपादान कारक है। मतलब किसी भी चीज का अलग होना है, अपादान कारक है। छठा है संबंध कारक, इसका चिन्ह का की के रा री रे। संज्ञा सर्वनाम के उस रूप को जिससे उसके किसी वस्तु के साथ संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का भाई आ रहा है तो यहाँ आने वाले व्यक्ति का संबंध, जो भी आएगा तो आने वाले व्यक्ति का संबंध किससे रहेगा? राम। और राम का भाई वो उन दोनों में संबंध व्यक्त कर रहा है, यहाँ संबंध कारक है। इसी प्रकार यह तुम्हारा घर है तो यह किसका घर है? तुम्हारा घर है। ये फल तुम्हारे हैं, ये जब सब चीज संबंध व्यक्त कर रहे हैं। सातवां अधिकरण कारक, में पर। जिन शब्दों से क्रिया के आधार का बोध हो वे अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे माँ कुर्सी पर बैठी है, बच्चा पालने में झूल रहा है तो माँ कहाँ बैठी है? कुर्सी पर। यहाँ कुर्सी बैठने की क्रिया का आधार है। इस प्रकार दूसरे वाक्य में बच्चा कहाँ झूल रहा है? पालने में। तो पालना झूलने की क्रिया का आधार है, अर्थात कुर्सियों पालना अधिकरण कारक है। जैसे बिल्ली चटाई पर बैठी है तो बिल्ली कहाँ बैठी है? चटाई पर। तो ये चटाई पर अधिकरण कारक है। आठवां है संबोधन कारक, इसका चिन्ह है रे अरे ओ। वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से बुलाने पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे मोहन यहाँ आओ, ये अरे मोहन ये संबोधन है। यहाँ मोहन संज्ञा शब्द के इस रूप में पुकारने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ संबोधन कारक है। इसी प्रकार जैसे बालको कहाँ जा रहे हो तो ये संबोधन है, बालको कहाँ जा रहे हो, अरे रमेश यहाँ आओ। अब हमारा ये चैप्टर पूरा हमने रीड कर लिया है, और ये जो चैप्टर है ये भी आप ध्यान से इसको रीड करेंगे। थैंक यू।